अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर दी थी, और आपको पता है कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ। ठीक है, उर्दू में भी चीज़ें बताता हूँ और इंग्लिश में भी बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो स्टार्ट करते हैं इसे बगैर किसी टाइम ज़ाया किए। ठीक है, कहता है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। उसने क्या कहा कि आपने जो मिकदार ऐसा मैंने उसको रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन आपने क्या किया था, आपके पास जब होता था 1 / 1 + i होता था, तो आप इसको क्या करते थे, 1 - i, 1 - i, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे, इसे ये आप काम करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अयोटा वाली तो वैल्यू नहीं होगी, वो हमारे पास दिया कम्प्लेक्स नंबर पर। यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में आता है सर्स आता है। सर्स क्या था, आपके पास एक रैशनल नंबर होता है, उसके ऊपर आप जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। इस प्रोसेस को हम सर्ज कहते हैं, मिकदार असम कहते हैं। ठीक है, हकीकत में वो मिकदार असल में जो होती है वो होती है रैशनल नंबर यानी नातक होती है, लेकिन जब उसके ऊपर आप जजर ले लेते हैं या स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो गैर नातक मिकदार बन जाती है। ठीक है, वो गैर नातक जुमला बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्ज कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मिकदार असम। ठीक है, हो गया। तो आपने इसके अंदर बेसिकली करना क्या होगा, उसके अंदर हम क्या करते होते थे, नीचे वाला योटा खत्म करते होते थे। आपको पता है जो आंसर आता था उसके अंदर हमारे पास कभी भी डिवाइड में योटा नहीं आता था। ठीक है, डिवाइड वाला योटा खत्म हो जाता था, डिवाइड में कोई एक नंबर आता था। ठीक है, कोई 2 आ गया 3 आ गया, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपको डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो इस तरह उसके भी डिवाइड में हमारे पास कोई नंबर आता था, हमारे पास योटा नहीं आता था। तो यहाँ पे जब आपने इसको सोल्व करना है तो आपने यहाँ पे भी यही करना है कि आपके पास जो डिवाइड में ये वाला आएगा ना स्क्वायर रूट, आपने इसको खत्म करना है। आपने जो डिवाइड में ये स्क्वायर रूट आएगा ना इसको खत्म करना है। इसको खत्म कैसे करना है कि जो ये होगा ना स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया करेंगे। ठीक है, और वो खत्म हो जाया करेगी। इसी तरह स्टार्ट करते हैं। कहता है कि अगर आपके पास 3 / 4 √3 हो तो इसको आप रैशनलाइज करना है, तो आपने क्या करना है कि इसको आपने वैसे ही लिख लेना है ये सारी वैल्यू को। ठीक है, और क्या करना है, जो आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हुआ करेगी ना, ये जो आपके पास सर्ज हुआ करेगा, मिकदार असम हुआ करेगी, आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास सर्ज है। ठीक है, क्योंकि ये एक नातक नंबर है। ठीक है, उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट जब लिया, जजर लिया, तो एक गैर नातक नंबर बन गया है, इसे सर्ज कहते हैं। ठीक है, यानी ये मिकदार असम है, मिकदार असम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो ये हुआ करेगा उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करना है। तो देखिए जरा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, और इसको जब सोल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 4 ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 3 × ये ऊपर वाला वैसे ही, नीचे ये आपके पास बच जाएगा, यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 / 4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिए जरा, वो कहता है आपके पास है 14 / √98। ठीक है, तो आपने इसको करना है, फिर वही काम करना है, आपने जो नीचे वाली जो आपके पास सर्ज है यानी मिकदार असम, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। जब करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये से कैंसिल, ये और चीज़ आ गई, और यहाँ पे ये देखें 14 × 1 = 14, और 14 को जब 7 करेंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई, लेकिन ये वाली चीज़ अब मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकती है, यहाँ तक इसे आंसर ख़त्म हम नहीं रोक सकते। ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, आप दोनों आंसर में से जो भी निकालेंगे आपको नंबर देगा पूरा। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या था, 98 था, 98 है ना, 98 हमारे पास आ गया। इसको 2 पे जाने थे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, फिर 7 पे जाने थे 77 आ जाएगा, फिर 7 पे जाने थे फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका बराबर है 7 का स्क्वायर × 2 के बराबर है, और डिवाइडर में हमारे पास ये है। तो ये देखिए ज़रा, इसका आप अलग अलग ले लेते होते हैं, 7 का अलग आ जाएगा और 2 का अलग आ जाएगा, ये से कैंसिल, तो ये 7 बच जाएगा यहाँ से, और ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, इसको 7 पर डिवाइड करेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर वो कहता है 6 / √8 · √27। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 को और 27 को, ठीक है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा 2616 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। आपने क्या करना है, सर्ज, अब सर्ज बन गया, सर्ज से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये वाली चीज़ आ गई, इसको सॉल्व किया तो आपका ये तो ऊपर वाला ये से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज़ आ गई, नीचे वाला का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास नीचे ये 216 आ जाएगा, ऊपर आपके पास ये आ जाएगा। आपको बताइए 260 किसके बराबर होता है, ये 6³ के बराबर होता है, यानी 6 × 6 × 6 के बराबर होता है। ठीक है, 36 हो गया, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप इसको 216 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं,
ठीक है, तो इसको आप मजीद तोड़ के लिख देंगे, आपके पास जेदर है, ठीक है, आपने कट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से देखें ज़रा, आप इसको 6 की पावर 2 को अलग कर लें और 6 को अलग कर लें, ठीक है, ये वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी। और यहाँ पे ये जब इससे कैंसिल हो गई थी, ये चीज़ आ गई, ये 6 वैसे आ गया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया, और ये एक अलग ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको सोल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे वाला ये क्या 6 की 3 है, ऊपर 6 की 2 पड़ी हुई है, यानी आपने ये देखा ना, ये वाली चीज़ जो है वो 6 की पावर 3 की है, ये 6 की पावर 3 है, ऊपर ये 6 की पावर कितनी आ गई, 2 और 3 जब आपस में कैंसिल आउट होंगे, या देखिए यहाँ पर जाएगा ये आ जाएगा 36, फिर यहाँ पे जाएगा ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 6 और ये 6 आ जाएगा, आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखेंगे, पहले तो आप जो सॉल्व कर रहे थे ना, उसके अंदर आपके पास आ रहा था मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, जितने भी आपने ये देखे ना क्वेश्चन किए थे, आपके पास देखें ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ आ रही थी, लेकिन अब हमारे पास आ गई है एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने करना है क्या, जो भी मिड में साइन होगा ना उनके दोनों के, जो मिड में साइन होगा वो जिसके साथ भी हो, चाहे वो थर्ड के साथ हो या दूसरे वाले के साथ हो, ठीक है, आपने उसे पकड़ के चेंज कर देना है, ठीक है। यानी कि ये वाला अगर साइन प्लस का है ना, तो आपके इसको क्या करना है, नेगेटिव वाला कर देना है। जैसे आप इसमें आप करते थे यूटा के साथ, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यूटा करते थे ना, इसमें जब आप चेंज करते थे, आप सिर्फ यूटा वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, दूसरे वाले का साइन चेंज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर सर्ज में, क्योंकि हमारे पास यूटा, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसके अंदर हमारे पास 2 सर्ज यूज होंगे, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसलिए आपने क्या करना है, आपने जो मिड में साइन आएगा, आपने ये रूल याद रख लेना है, जो मिड में साइन आएगा आपने उसका उलट यानी ओपोजिट साइन लेना है, लेकर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया करना, ठीक है। तो देखा जरा इसका ओपोजिट साइन क्या होगा, माइनस वाला, तो माइनस वाले से करके मिड वाले को, मिड में माइनस करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना, चाहे ये सर तो हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाए, आपने इसको माइनस नहीं करना, जो मिड में साइन होगा ना, जो मिड में उसको आपने माइनस करना है और किसी को माइनस नहीं करना, ठीक है। तो आपने करना माइनस ओपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये से मल्टीप्लाई प्लस का, ये माइनस का, 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा 9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे जो मल्टीप्लाई होगा 2 टू 4 हो गया, और ये स्क्वायर रूट है, तो देखें 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखें ये 9 है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में से 9 गया, बाकी माइनस 11 आ गया, तो इसको साइड पर बाहर निकाल के लिख देंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर इस तरह कुछ हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर आ जाता है 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर कहता है 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31 माइनस 4, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली वही करना है काम, साइन चेंज किया और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ ये ऐसे आ जाएगी, और नीचे वाले के देखेंगे, इसका जब लेंगे 31 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास क्या जाएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ 31 आ गई हुई है, हमारे पास 16 आ गया, इसको सोल्व करेंगे 15 आ जाएगा, या अगर 15 से कैंसिल, बाकी आपको ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास इसका पार्ट नंबर 6 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें जरा, ये वाली चीज़ आपने फिर क्या करना है, साइन ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, ये करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ गई, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ये इसको सोल्व करेंगे आप, ये प्लस माइनस माइनस, ये सोल्व करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ रही ना, आपने ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बाकी आपके 5 माइनस 3 आ गया, ये वाली चीज़ ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये वाली चीज़ का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 के अंदर भी देखें जरा, ये वाली चीज़ है, आपने इसका ऑपोजिट साइन लेना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये देखिए सेम है, इसकी जैसे एक्स इंटू एक्स होता है, तो क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है। उसके बाद ये वाला नीचे वाला देखें, ये इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का प्लस, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। उसके बाद इसको आप ओपन कर देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 है भी, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये देखा जरा, इसको इससे कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, ये 1 आ गया और ये माइनस आ गया, ये 2 आ गया, इसको इससे मतलब लेके, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये 4 आ गया, -2 स्क्वायर रूट 3 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब देखें इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, हम 2 कॉमन ले लें, बाकी यहाँ पे 2 बच गया, ये चीज़ आ गई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये वाला इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं यूज़ करता हूँ, आपको ये समझ आ चुकी होगी। उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या करना है, ये वाली इसने वैल्यू दी हुई, अब देखिए इसका ऑपोजिट साइन लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखें जरा, ऊपर वाला जो स्क्वायर बन गया, नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ आ गई, ये आ गई, ऊपर वाले की तरह ही है ये भी, ठीक है, जैसे आपने मैंने आपको समझाया आपको। तो देखें ये स्केयर आ गया, इसको ओपन करेंगे तो ये पहले का स्केयर आ जाएगा और दूसरे का स्केयर, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये आ गई और +2 ab, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने ओपन कर दिया, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा,
तो आगे इसको मजीद सोल्व करते हैं तो आपको इसका आ जाएगा 8 × √15। आपको स्केयर रूट 5 था और स्केयर रूट 3 था, आपने क्या करना है इसको एक स्केयर रूट के अंदर ले आना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 15 इसका आंसर आ जाएगा, और स्केयर रूट 15 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास 8 + √2 × √15 है डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसमें से दोनों में से ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 कॉमन ले लेना, बाकी आपके पास 4 बच जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, बाकी आपके पास स्केयर रूट 15 बच जाएगा, डिवाइड में 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके 4 + √15 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस स्केयर रूट वाई। देखिए अब कॉन्जुगेट का फाइंड करना है, आपको पता है ना कि हम जब कॉन्जुगेट फाइंड करते थे आप क्या करते थे, 1 + और छोटा होता था आप उसके ऊपर बार लगाते थे, जो इसके अंदर आपके पास क्या होता था, जो आपके पास योटा वाली वैल्यू होती थी उसको आप साइन चेंज कर देते थे बार की वजह से, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ जब बार लेंगे तो आपने साइन कैसा चेंज करना है, सर्ज का साइन चेंज करना है, यानी कि जो स्केयर रूट वाली वैल्यू होगी आपने उसका साइन चेंज करना है, दूसरी का साइन चेंज नहीं करना, ठीक है, ये बात आपने याद रखी। जैसे आप वहाँ पर स्पेसिफिक योटा का करते थे ना, यहाँ पर आपने स्केयर रूट वाली वैल्यू करना है, यानी जदर वाली रकम को करना है, दूसरी रकम को आपने नहीं छेड़ना। तो देखिए जरा ये हमारे पास रकम है, इसको सपोज कर लिया जी के बराबर है, जैसे वहाँ पे सपोज जी के बराबर करते थे, तो इसका बाढ़ लेंगे तो यहाँ पर बाढ़ देंगे, तो बाढ़ देने के बाद देखें सिर्फ साइन चेंज हुआ किसका, ये वाली वैल्यू का जिसके ऊपर स्केयर रूट आ रहा होगा सिर्फ उसका साइन चेंज होगा, दूसरी वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 2 आ गया, पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास यही चीज़ है, देखें जरा इसको सपोज कर लिया जी के बराबर है, बाढ़ दे रही है दोनों साइड, जब बाढ़ लेंगे तो आपके पास जो स्केयर रूट वैल्यू है उसका साइन चेंज, ये बाढ़ ले लिया, ये बाढ़ लिया और ये बाढ़ लिया, ठीक है। तो जो हमारे पास स्केयर रूट वाली वैल्यू है उसका आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 3 आ जाएगा, पार्ट नंबर 3 के अंदर आपके पास ये चीज़ है, इसको सपोज जी के बराबर लिया, दोनों साइड पर बाढ़ दिया, बाढ़ देने के बाद देखें जरा जो स्केयर रूट वाली वैल्यू उसका साइन चेंज, ऐसे करते जाएंगे आप सारी सभी को जी के बराबर लिया साइन चेंज कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें जी के बराबर लिया इसको बाढ़ दिया साइन चेंज हो गया, बस ये आपने ये काम करते जाना, ये काम तो आपके लिए कौन सा मुश्किल है, ये देखें इसको जी को लाइट कर दिया, उसके बाद इसको बाढ़ ले लेंगे ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 7 उसके अंदर भी आपने ये देखे जी को एक बार लाइट कर दिया बाढ़ लिया दोनों साइड पे, तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया प्लस वाला आ गया। उसके बाद ये इसका देखें ये प्लस का, इसके बाद जब बाढ़ लेंगे तो आपको उसका आ जाएगा नेगेटिव का इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको सोल्व करना कौन सा आपके लिए मुश्किल है। तो देखिए आप उसका कहना कहता है अगर आपके पास एक्स इसके बराबर हो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, कहता है अगर एक्स बराबर हो 2 − √3 के, तो फाइंड 1 / x, तो आपने क्या फाइंड करना है 1 / x फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कौन सा मुश्किल काम है, इसको जब इस तरह लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आपको पता ना जब योटा होता था उसको जब आप डिवाइड में लिखते थे तो आप क्या करते थे, ओपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। तो आपने यही यहाँ पर भी वही करना है, ओपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, तो ये वाली चीज़ वैसे आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ गया आपके पास स्केयर रूट, ये ऐसे बनेगा ना स्केयर रूट 3 का होल स्केयर, इसे कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे ये चीज़ आ गई, इसको मजीद सॉल्व किया तो आपके पास 2 + √3 इसका आंसर आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें जरा तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपने आसानी से इसको फाइंड कर लेना। उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 के अंदर भी आपने यही काम करना है, ये उसने एक्स की वैल्यू दी है 1 / x फाइंड करना है, आप इसे 1 / x फॉर्म में लिखें, उसके बाद इसको सोल्व करें, आपको पता है ना हमने सर्द जब इसको सोल्व करना है तो आप सर्द लिखते हैं, तो जब सिंपलीफाई करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं तो आपके पास नीचे डिवाइड में ये वाला स्केयर रूट वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ऊपर आ जाए कोई मसला नहीं है, डिवाइड में नहीं आनी चाहिए। तो देखें जरा इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई 4 = 16 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट 17 का होल स्केयर। अब ये बात तो आपको समझ आ चुकी होगी, 17 आ गया, इसके साथ ये आ जाएगा -1 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइड में -1 बचेगा ना, ये वाला यहाँ ना लिखे यहाँ लिख लें, ठीक है, जब ये -1 होगा तो ये माइनस इसको भी साइन भी चेंज करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज करेगा, ये चीज़ आ गई, ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखा इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 के अंदर भी आपने कुछ ऐसे ही करना है, ये चीज़ दी हुई है आपने ये फाइंड करना है, पहले 1 / x फाइंड करें, तो ये देखें 1 / x फाइंड करेंगे इस तरह, ठीक है, आपने साइन के साथ चेंज करना है इसमें, अब सर्द का साइन चेंज करें, पहले आपको आपके पास कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ जब आपने स्पेसिफिक करना है तो आपके पास सर्द की कंडीशन है, आपने सिर्फ सर्द का ही साइन चेंज करना है, लेकिन क्योंकि ये इसलिए इसका करना है क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसने इस तरह लिखा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिखे 2 + ऐसे, ठीक है, जैसे आपके पास ये वाली फॉर्म होती है, उसने कहा था x + y, ये वाली फॉर्म आपने बनानी है, इसलिए मैंने ये फॉर्म नहीं बनानी, बनाना भूल गया, इसलिए फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने आप डायरेक्ट यहाँ पे ये कर दिया, वरना अदरवाइज अगर इसको इस तरह लिखते तो आपको पता है ये वाला साइन ही चेंज होता है, जब ये वाला साइन चेंज होगा तो आपको बस ये माइनस का होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया, क्योंकि असल जो आप उसने दे दिया ना, आप उसने कंडीशन लगा दिया कि आपके पास जो रकम होगी वो इस कंडीशन की होगी, ठीक है, पहले आपके पास रियल वाला पार्ट आएगा, फिर आपके पास सर्द वाला पार्ट आएगा, ठीक है, तो लेकिन मुझे
जेन में नहीं रहा, मैंने वैसे डायरेक्ट सोल्व करना शुरू कर दिया, बाद में याद आया कि नहीं इसे ऐसे सोल्व करेंगे तो फिर सोल्व होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मैंने सोल्व कर दिया। तो देखा जाए इसको सोल्व करते हैं तो ये वाला आपको बस ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, इसको सोल्व किया आपको 1 आ जाएगा, वही आंसर सेम ही आएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, आपने इसको तरतीब दे लेनी है पहले, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका आंसर आ गया, आपने फाइंड करना है ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, तो इसको दोनों को वैल्यू लिखेंगे, ये एक्स की वैल्यू ये वाली है, इसके 100 एक्स की वैल्यू ये आई है, ठीक है, दोनों को ऐडअप करना है, ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपको सीधे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है सिंप्लीफाई, आपने सिंप्लीफाई करना है आपके पास, जैसे सादा तरीन शक्ल में लिखना है, उर्दू में इसे कहते हैं सादा तरीन शक्ल, सादा तरीन शक्ल, यानी जितना आप पॉसिबल हो सके ना उतना इसको सिंपल करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ है, आपने कहा दो अलग अलग चीज़ें आ गई आपके पास, ठीक है, आपने दोनों को क्या करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना है, इसको अलग लिख लेना है, ठीक है, इसके अंदर मिड में ये चीज़ यह आ जाएगा प्लस, और ये वाली को आपने अलग सोल्व करना है, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई ये आ गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ गया, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 5 पर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट में 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये सोल्व करेंगे ये वाली चीज़ आ गई। अब नीचे वाले एक प्लस का एक माइनस का, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट भी है, तो 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी ये वाली चीज़ आ गई, प्लस माइनस माइनस हो जाता होता है, आपको पता है इससे जब होगा तो आपको क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, इसको सोल्व करेंगे आपका, इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, ये भी वैसे ही सोल्व करेंगे, ये से मल्टीप्लाई ये, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे वाला भी ये इसका भी आ गया, इसको सोल्व करेंगे 2 इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ ऊपर वैसे ही है, तो आपने क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम देखा था ले लिया, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर ये वाली वैल्यूज आ गई, यहाँ पर देखा जरा आपके पास कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो रहा है, बाकी दोनों सेम साइन के हैं, ये आ गया 2 हो गए और ये भी 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया आ गया, इसके बाद ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं, अगले पार्ट के अंदर भी हमने ये काम करना है, पहले 2 वैल्यू थी अब 3 वैल्यू हो गई आपके पास, ठीक है, तो आपने ठीक है हम सोल्व कर लेंगे, इसमें कौन सा मसला है, इसको अलग लिख लिया, इसको अलग ट्रीट करेंगे, इसको अलग ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आपके पास इससे मल्टीप्लाई का ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 आ गया, ये आपका माइनस 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया, इसको इससे किया तो ये 2 आ गया, इसको सोल्व करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, इसको सोल्व किया तो ये वाली चीज़ आ गई, इसको ये सोल्व करेंगे 4 आ गया, ये माइनस ये 5 आ गया, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये 1 बचेगा ना, डिवाइड में 1 बचेगा, तो 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वाली चीज़ ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, ये 2 इन दोनों में से ये 2 कॉमन ले लो, ये इसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिया, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस क्या करेगा, इसका साइन ये प्लस का, ये क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। यहाँ पे ये क्या आपके पास बचेगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 की वजह से इसका साइन माइनस का हो जाएगा, इसका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा आपके पास बाकी ये वाली चीज़ आ गई, उसके बाद यहाँ पे ये वाली दो चीज़ आ गई, ये आपको इसका आएगा ये प्लस का ही आ गया यहाँ पे, हाँ प्लस का, ठीक है, ये माइनस नहीं, ये 2 हमने कॉमन ले लिया, ये प्लस का ये वाला आ गया, उसके बाद ये माइनस 2 आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको देखा जरा, ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, बाकी ये दोनों प्लस का, तो ये आपके पास 2 × √5 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखा इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 के अंदर देखा जरा, फिर आपके पास 3 वैल्यू हैं, ये है ये है ये, अलग अलग आप सोल्व करें, सोल्व करने के बाद देखें इसको सोल्व किया तो ये चीज़ आ गई, तो बाकी आपके पास यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, बाकी ये वाली चीज़ ऐसे आ गई, ये वाली चीज़ वैसे आ गई, ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडअप होना है तो एडअप आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इसके बाद देखा इसका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कि अगर आपके पास एक्स बराबर इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी और इसकी अपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो सोल्व कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल है हमारे पास ये वाला काम, तो एक्स इसका बराबर है तो 1 / x इसके बराबर होगा, तो इसका बराबर होगा, क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस 1 / x फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ले लेंगे, इसको ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सोल्व किया तो 1 आ गया, तो आपके पास इसका आंसर ये वाला आ गया। उसके बाद इसको आपने दोनों को माइनस करना है, तो पहले वाले को रखेंगे और दूसरे वाले को रखेंगे तो माइनस कर देंगे, ये कौन सा मुश्किल है, पहले वाली वैल्यू रखी वैसी माइनस, दूसरी वाली वैल्यू क्या थी आपके पास, दूसरी वाली आपके वैल्यू था 2√3, ठीक है, इसके बारे में आप माइनस आए तो ये क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस में प्लस का हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस है ना, ये वाला, इसको सोल्व करेंगे ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, ये वाला आंसर आ जाएगा 1√2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड पे इसके स्क्वायर ले लेंगे, जब स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर अलग आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा √3 अलग आ जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये आपके पास 4 × 3 बचेगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 12, इसका आंसर आ जाएगा।
अब मैं भी कहता हूँ ये समझ आ चुकी होगी। उसके बाद देखिए इसका पार्ट नंबर टू है, पार्ट नंबर टू के अंदर कहता है ये वाली चीज़ आपने फाइंड दी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपने तीन चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखिए ज़रा ये चीज़ है इसका, अब पहले होता था हमारे पास वन डिवाइडेड बाय में आता था, ठीक है, आपके पास वैल्यू होती थी यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू, आप इसको सॉल्व करते हैं डिवाइड डिवाइडेड में वैल्यू आती थी, फिर आप इस तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आपके पास वैल्यू दोनों ऊपर और नीचे बटे में दी हुई है, आपने कहा इसे जब उलटाएंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी वन डिवाइडेड बाई एक्स की, ठीक है, तो आप आपको डायरेक्ट सॉल्व मिल जाएगी। उसके बाद ये इसके लिए सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ आ गई, अब इसको एडअप करना है दोनों को, एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला ये आ गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, एलसीएम ऐसे ही होता है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई आया, बाद में आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ये आ गया, इसको आप स्केयर ओपन करेंगे, ये आ जाएगा ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस टू ए बी, उसके बाद ये प्लस वाला है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, ठीक है, अब देखें ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेवन और सेवन कितने हो जाएंगे, ये फाइव और टू सेवन और सेवन कितने हो गया, फोर्टीन हो गया, और ये नीचे वाले को सोल्व करेंगे आपको बस क्या, ये देखें इसको सोल्व किया तो ये आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से थ्री बच जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने दोनों साइड पर स्केयर लेना है, ठीक है, इसका इसका दोनों साइड पर स्केयर लेंगे तो ये वाली चीज़ आ गई, अब फोर्टीन का स्केयर होता है 196 और ये आ जाएगा 9, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, तो इसका फाइनल ये वाला आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे आपके पास, क्योंकि आपने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, ये वाली चीज़ फाइंड नहीं करनी है, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, इसको हम ये सोल्व करते क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 × 196 − 18, ठीक है, इसको सोल्व किया आपके पास 178 / 9 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपने फिर दोबारा उसको लेना है, क्योंकि आपने अब क्यूब फाइंड करना है, क्यूब वाला फार्मूला आपने लगाना है, आपने 4.2 में सारे ये फार्मूले किए हुए हैं, दोनों सारे क्यूब ले लेंगे आपके पास, अगर ये अगर और आपने ये वाली चीज़ फाइंड करनी हो ए क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स को, ठीक है, तो आप क्या करते होते हैं ना, दोनों साइड पे क्यूब ले लेते हैं, देखे तेरा क्यूब लिया दोनों साइड पे, ठीक है, क्यूब वन बोथ साइड, ठीक है, इसका पहले का खोला दूसरे का खोला, ये चीज़ आ गई और ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये वाली चीज़ बच जाएगी, इसका आंसर आपके पास किसके बाद है, ये इसका बराबर है, ठीक है, आपने सोल्व किया हुआ पहले, उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी वैसे ही ये, ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, ठीक है, ये थ्री थ्री से कैंसिल कर देते हैं, ये इधर प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसको सोल्व करने का मजीद तो ये आपके पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, आप खुद सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखा इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 6, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से ये कर लेना है, अक्सर पेपर में आ जाता है। आपने कहता है एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ए एंड बी डिटरमाइन द रैशनल नंबर ए एंड बी इफ़, आपके पास ये इसके बराबर हो, ठीक है, तो आपने इसको सोल्व करना है, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, ये वाली चीज़ें दोनों आ गई, ए से मल्टीप्लाई दोनों का स्केयर आ गया, ये वैसे ही आ गया। उसके बाद देखा जरा इसको ओपन करेंगे, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस टू ए बी, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला, उसके बाद ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, इसको ये 4 और 8 आ जाएगा, नीचे इसको सोल्व करेंगे, देखिए प्लस एक प्लस का एक माइनस का, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर का आ जाएगा स्केयर रूट 3 − 1 का स्केयर, ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 3 − 1 बच जाएगा, ये आ गया 4 आ गया और ये इक्वल टू इसके आ गया। अब हमें करना है तो यहाँ कंपेयरिंग कैसे करनी होती है, जो दूसरा सिंपल होता है उसको सिंपल के साथ, और जो सर्ज वाला होता है यानी मिकदार ऐसे होते हैं उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, दोनों साइड को कंपेयर करने से, ठीक है, तो ये आपके पास ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके बराबर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इसको आप रखेंगे ए इक्वल टू 4 आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3b = 0, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लिए समझ आ चुका होगा। तो अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो हम याद रखिएगा अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और हाँ एक बात यार, जितनी मैं मैथ करवाता हूँ ना आपको, तो उसके बाद आप इसकी खुद प्रैक्टिस किया करें, ठीक है, जितनी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आएगी और इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। और अपने मेरी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, उन्हें कह करें मेरे लेक्चर देखें, ताकि उनको भी मैथमेटिक्स आसान लगे और मेरा चैनल भी ग्रो करे और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपने चैनल का भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।